मौजूद है हंदवाड़ा में, जैसे कि आपको बताते चले हंदवाड़ा का जो है बस स्टैंड है, आपको बताते चले कि हंदवाड़ा बस स्टैंड में जो है कोई भी इंतजाम नहीं रखे गए। या म्यूनसिपलिटी की अगर हम खासकर बात करें, म्यूनसिपलिटी ने एक बाथरूम बनाया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाथरूम काफ़ी टाइम से बना हुआ है लेकिन कोई भी वर्क इसमें नहीं हो रहा है, कोई भी इस्तेमाल जो यहाँ पे नहीं हो रही है। हालांकि कुछ लोगों से भी हमने यहाँ पे बात की, उनका कहना है कि ना यहाँ पे पीने के लिए पानी है, ना बाथरूम करने के लिए कोई जगह है। और खुद भी देख सकते हैं आप कि किस तरह से इस बाथरूम को जो है बाथरूम को बना के जो है ऐसे ही रखा हुआ है, कोई भी फंक्शनल बाथरूम यहां पे नहीं दिखाया जा रहा। हालांकि अब ये बस स्टैंड जो है, बस स्टैंड तकरीबन कुपवाड़ा, बारामूला, सोपोर, श्रीनगर, जितने भी गाड़ियाँ, जितने भी मुसाफिर यहाँ पर आते हैं काफ़ी दूर इलाकों से आते हैं, काफ़ी दूर बताते चलें कि 2 साल से ज़्यादा वक्त जो है गुजर चुका है, तकरीबन लाखों में जो है इन बाथरूम्स में जो है खर्चे आए हैं लेकिन अभी भी ये फंक्शनल बाथरूम्स नहीं हुए हैं। आखिर हम जानना चाहते हैं, आला हुकाम से हम बात करने की कोशिश करेंगे, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से हम गुजारिश करना चाहते हैं कि आखिर अगर आप लोगों ने इतने लाख रुपया खर्चे किए हैं, बाथरूम फैसिलिटीज़ बनाई हैं, वाटर टैंकीज बस स्टैंड में रखी है, हंदवाड़ा के हर जगह पर वाटर टैंकीज, बाथरूम की सुविधाएं रखी है लेकिन कोई भी बाथरूम यहाँ पे फंक्शन नहीं है, आखिर इसमें क्या कोताही है, क्यों ये बाथरूम फंक्शनल नहीं हो रहे हैं? आखिर अगर लाखों में खर्चा किया जा रहा है तो बाथरूम अभी तक फंक्शनल क्यों नहीं किए जा रहे हैं? खाली टंकी है, कोई पानी नहीं है, वही नहीं, 2 साल से पहले भी नहीं, वो तो बन गया है। तो तकरीबन 2 साल गुजर चुके हैं, 2 साल पहले ही बाथरूम बनाए गए हैं लेकिन अभी तक उनकी ये जो है नहीं हुआ। नहीं, नहीं, नहीं। तो आप अल्लाह हुकाम से जो यहाँ की म्यूनसिपलिटी एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे क्या कह रहे हैं? वो तो म्यूनसिपलिटी वाले कुछ नहीं करते, न सफाई करते, यहाँ कुछ नहीं है, सब बेकार है। जल्दी जल्दी काम लगाएंगे, अभी 2 साल हुआ काम तो शुरू नहीं होता है यहाँ पे, अब क्या कहेंगे उनसे? पानी की जो दिक्कत है यहाँ पे किस तरह से देखा जाएगा आपको, जो यहाँ के ड्राइवर से, जो यहाँ के पैसेंजर से, उनको पानी की सुविधाएं नहीं मिलती है, बाथरूम की सुविधाएं नहीं मिलती है, तो क्या देखेंगे? बहुत मुश्किल होती है यहाँ पे, तो आप खुद देख सकते हो जिसको हम मॉडल टाउन हंदवाड़ा कहते हैं, जो तहसील हंदवाड़ा जो है मॉडल टाउन के नाम से, मॉडल जो तहसील जो उसके नाम से जाना जाता है पूरे कश्मीर में, लेकिन सबसे बेशर्मी की बात यहाँ पे आपको ये बताते चले कि यहाँ पे हंदवाड़ा में कोई भी बाथरूम की सुविधाएं नहीं है, पानी की सुविधाएं नहीं है। आप खुद देख सकते हो कि किस तरह से जो है बाथरूम, ये जो वाटर टैंकी जो बनाई जा गई है लेकिन इसके नल आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देखो आप पूरे निकाले गए हैं, पूरे जो है यहाँ पे निकाले गए हैं, अगर आपको मेरा कैमरा मैन दिखा सकता है, ये पूरे आप दिखा सकते हैं कि किस तरह से जो इस वाटर टैंकी को बनाया गया था लेकिन कोई भी जो है कोई भी चीज़ इसमें फंक्शनल नहीं हो रही है। पैसेंजर्स को जो है, खासकर आम शहरियों को जो है, चाहे वो दूर दराज से आता है, चाहे कहीं से भी आता है, उनको जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। यहाँ पे ना पानी की सुविधाएं हैं, ना बाथरूम की फैसिलिटी। अगर एक तरफ से म्यूनसिपलिटी हंदवाड़ा दावा कर रही है कि हमने जो है हर जगह पे बाथरूम फैसिलिटी रखी गई है, हर जगह पे जो पानी की सुविधाएं रखी गई है, लेकिन अगर हम ग्राउंड पे बात करें, ग्राउंड पे किसी भी जगह इसका नाम निशान न रखें।